हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिविल इंजीनियर अभिषेक। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि बैकफिलिंग के लिए रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में बैकफिलिंग के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी मशीनरी हमारी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बैकफिलिंग में हमें ज़रूरत पड़ता है डंपर का। डंपर जैसा कि सामने आप देख सकते हैं खड़ी है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सोयल एंड सबग्रेड को साइड पे ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, साइड पे ले आना। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद से हमारी ज़रूरत पड़ता है शॉवेल। शॉवेल का क्या काम होता है? शॉवेल का काम होता है आपका कि जहाँ पर मिट्टी का ढेर लग जा रहा है, काफ़ी सारी मिट्टियाँ एक साथ गिरा दी जा रही हैं, तो उसको अलग अलग जगह पर शिफ्ट करना। ठीक है फ्रेंड, शवल आपका व्हील लोडर, जिसको व्हील लोडर भी कहते हैं वो वाला। थर्ड मशीन होती है आपकी ग्रेडर, जो कि सामने आपकी चल रही है। इसका काम होता है ड्रेसिंग करना। ठीक है फ्रेंड्स, आपका शवल ने मिट्टी को फैला दिया। ठीक, मिट्टी फैलाने के बाद इसका काम होता है ड्रेसिंग करना, कहाँ पर कितनी सॉइल चाहिए। ठीक है, आपका इसे वो लेवल दे रखा है स्टील के ऊपर, देख सकते हैं आप, स्टील के ऊपर लेवल दे रखा है ना फ्रेंड्स, वाइट कलर में। तो उस लेवल से लाइन डोरी पकड़ते हैं और फिर मेजरमेंट करते हैं कि कहाँ पर कितना मटेरियल और आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, कितना सॉइल और आएगा। आपका चौथा मशीन जरूरत पड़ती है बॉबकैट। बॉबकैट यहाँ पर जैसे कि ग्रेडर और शॉवेल ड्रेसिंग और लेवल नहीं कर सकते, वहाँ पर हमारा बॉबकैट के थ्रू वहाँ पर लेवल करते हैं, तो वहाँ पर सॉइल को ले जाते हैं, ड्रेसिंग भी करते हैं। ठीक है फ्रेंड, फिफ्थ नंबर पे आपका आता है रोलर, डबरिटी रोलर। फ्रेंड्स, उसका काम होता है कॉम्पैक्शन करना, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने वो डबरिटी रोलर आपका कॉम्पैक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, फोर्थ सिक्स नंबर का आपका इसमें मशीनरी जरूरत पड़ती है मशीन की या व्हीकल की, वो है आपका वाटर टैंकर। वाटर टैंकर किसके लिए? वाटर स्प्रे के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपके जहाँ पर फिर ड्राई सॉइल रहेगी, जहाँ पर भी ड्राई सॉइल रहेगी वहाँ पर वाटर, वहाँ पर उस ड्राई सॉइल को नमी लाने के लिए ड्राई सॉइल में हम क्या करते हैं? वाटर स्प्रे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा वाटर स्प्रे का, ये देख सकते हैं डंपर से मटेरियल खाली हो रहा है, अभी खाली कर देगा, पीछे सावल लगा है, सावल जो है आपको इस सॉइल को शिफ्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद ग्रेडर आपका ड्रेसिंग करेगा, बॉबकैट भी आपका ड्रेसिंग करेगा एंड लेवल करेगा। इसके बाद से डायबिटी रोलर से इसका कॉम्पैक्शन करते हैं। फ्रेंड्स, ये सिक्स टाइप्स की जो मशीनरी होती है वो यूज होती है आपके बैकफिलिंग वर्क में। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डंपर, शॉवेल, ग्रेडर और आपका बॉबकैट। ये चार मशीनरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बैकफिलिंग के लिए, रोड के बैकफिलिंग के लिए। रोड कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पर जो होता है, तो जब वहाँ बैक फिलिंग की जाती है तो इसके लिए। ठीक है फ्रेंड, बाकी कॉम्पैक्शन के लिए तो बता ही चुका हूँ कई बार आप लोगों को, मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देख भी लेंगे, लिंक दे रखा है कि कितने प्रकार के रोलर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।